जी तो व्यूअर्स हमारे साथ हैं वसीम अहमद भाई, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये आसिम भाई की शॉप पे कितने अरसे से आ रहे हैं और इनके जो इनके बने हुए कबाब हैं या टिक्का कबाब हैं या सीख कबाब हैं जो भी इनको बोलते हैं, ये कितने अरसे से खा रहे हैं और टेस्ट कैसा है इनका, बताएं जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। तो मैं तकरीबन 6-7 माह से आ रहा हूँ। माशाल्लाह, वाकई इनका टेस्ट, आज का टेस्ट इनका बहुत अच्छा है जी। तो आई लाइक इट। हाय व्यूअर, आज हम आए हैं बड़की न्यू टिक्का शॉप पे और ये हैं इस शॉप के ऑनर मोहम्मद आसिम भाई। हम इस टाइम मौजूद हैं गुजर खान बड़की जदीद में। और ये बहुत ही अच्छे टिक्का मास्टर हैं और आज हमसे इनका इंटरव्यू भी लेंगे इंशाल्लाह। बाड़ी जगह उम्र 30 साल है। तो ये देखे कस्टमर की लाइन लगी है यहाँ पे। नहीं ये देखो जी, तो आसिम भाई आप क्या क्या जो है ना इधर लगाते हैं? सर हम लगाते हैं यहाँ पे चिकन टिक्का लगाते हैं, मलाई टिक्का है और चिकन कबाब है, लेग पीस है और ग्रिल फिश है। माशाल्लाह। और आपकी यहाँ ज़्यादा बिकने वाली आइटम कौन सी है? मलाई टिक्का, चिकन कबाब, ग्रिल फिश, तकरीबन सारी आइटमें बिकती हैं यहाँ। जी तो आसिम भाई, ये कबाबों में आप कौन कौन सा मतलब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? कबाबों में प्याज डलता है और चिकन सीख कबाब का मसाला जो होता है वो डलता है और इसमें रोगन डलता है। इसके अलावा और तकरीबन यही प्याज और मसाले और रोगन शोगन यही कुछ ये चलता है। मसाला जो है नेशनल का ये शान का डाल है। तो भाई जान आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे और इनके हाथ का टेस्ट कैसा है हमें कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अहमद मिनास और आप सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुगल फूड सीक्रेट। तो हम अभी आसिम भाई की शॉप पे खड़े हैं। तो माशाल्लाह आसिम भाई के हाथ का जो टेस्ट है ना वो हमें इतना पसंद है कि हम इन्हें लखतला शरीफ भी ले गए थे, हमारा प्रोग्राम था वहाँ, टूर था एक, तो इनके हाथों के मज़ेदार और लजीज खाने हमने बहुत इंजॉय किए। अल्लाह पाक इनके हाथ में और बरकत अता फरमाए। काम करें ये इस दुकान के छोटे ऑनर उमर भाई। Thank you.